लखनऊ में दो दिवसीय युवा कुंभ 2018 का आगाज हो गया है। इस युवा कुंभ का आगाज सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक ने किया। युवा महाकुंभ आशियाना स्थित स्मृति उपवन में शुरू हुआ। सीएम योगी ने कहा कि 12 से 15 करोड़ लोग कुंभ में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। कुंभ के आयोजन में पूरा देश बिना किसी आमंत्रण के प्रयाग की धरती पर आता है। भारत की आजादी के बाद यह पहला कुंभ होगा जिसमें गंगा का शुद्ध जल आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगीत, सिनेमा और खेल जगत के सितारे शिरकत कर रहे हैं। यानी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद यह युवा कुंभ संघ और बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। युवा कुंभ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ खेल, कला, उद्योग और फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों का संगम देखने को मिलेगा। प्रयागराज में होने वाले कुंभ के पहले हो रहे वैचारिक कुंभ की श्रृंखला में लखनऊ में युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत लखनऊ में युवा कुंभ की शुरुआत हुई है। ये 15 जनवरी से 4 मार्च तक प्रयागराज में कुंभ है और कुंभ की अवधारणा क्या है, वर्षों पहले, हजारों साल पहले जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब भी एक नियत तिथि पे करोड़ों लोग इकट्ठा होते थे और उस वक्त समाज में जो भी विषय रहते थे, जो समस्याएं रहती थी, उन पर चर्चा होती थी और विद्वत मंडल वहाँ होता था, देश भर के विद्वान होते थे, वो उन पर उन समस्याओं के हल सुझाते थे, वहाँ पर विषय जो वहाँ पर प्रस्तुत होते थे। तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्या होता है, भारत देश में हम सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक युवा भारत को वैभवशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो ही हाल हो जाता है कि वो कुएं की मेंढक जैसा, उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जाना है उनको पता नहीं होता। तो इस तरह के वैचारिक कुंभ में देश भर के हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होते हैं और 2 दिन का समय होने के कारण वो अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको जब बातचीत करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि उनको और आगे कहाँ तक जाना है। के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से युवा कुंभ का आगाज हो गया है। लगभग 6,000 के करीब युवा इसमें देश भर के पहुंचेंगे, तो कितना प्रभावशाली इनके लिए रहेगा, इन युवाओं के लिए हम बात करेंगे। इस वक्त हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर ही मौजूद हैं। आप हमें बताएं, जिस तरीके से आप लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, वैचारिक आदान प्रदान हो रहा है, कितना आपके लिए ये लाभदायक है? जी, बहुत लाभदायक है, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस एक बिल्डअप होगा और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियां भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज इस तरीके से सामाजिक परिपेक्ष में देखें तो लड़कियों की स्थिति काफी खराब भी नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो वहां पे उनके प्रति क्राइम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। क्या इन इश्यूज को आप लोगों ने उठाया है? तो यहाँ पर जो कई सारी लड़कियाँ बच्चे आई हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर उन्हें समाज में इस प्रकार की कोई कुरीतियाँ दिखती हैं तो वो उस चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकती हैं, उन मुद्दों को उठा सकती हैं और एक आग्रह कर सकती हैं समाज से कि हम उस चीज को कैसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन युवाओं का यही मानना है कि अगर युवाओं के लिए अगर नहीं सोचा गया तो सरकार के बारे में वो भी नहीं सोच पाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र वर्मा के साथ स्निग्धा रितेश, के न्यूज, लखनऊ।